दोस्तों आज हम लोग ढाबा स्टाइल मशरूम की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो मशरूम की अच्छे से सफाई करेंगे। सबसे पहले इसका लेयर हम लोगों ने निकाल लिया है। अब जो भी इसमें मिट्टी लगी हुई है उसको गर्म पानी से हम लोग सफाई करेंगे। तो हमने पैन में गर्म पानी को बॉईल कर लिया है। अब इसमें मशरूम डालकर मशरूम की अच्छे से सफाई करेंगे। जो भी मिट्टी है उसको अच्छे से निकाल लेंगे ताकि खाने में कोई मिट्टी ना आ जाए। अब ढाबा स्टाइल मशरूम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें अनियन चाहिए, लहसुन की कलियां, टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और ये हमें फ़ौरन के लिए 2 लाल मिर्च लिया है। ये सारी सामग्री है हमें ढाबा स्टाइल मशरूम बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए तब स्टोव पे रख देंगे, गैस ऑन करेंगे। उसमें ऑयल डालने के बाद अपना मशरूम को गोल्डन ब्राउन होने के लिए होने तक उसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट आपको ऑलमोस्ट लग जाएगा मशरूम को लाइक गोल्डन ब्राउन होने में। ये देखिए, इसके बाद हम लोग ऑयल डालकर इसमें साबुत जीरा और लाल मिर्च डालेंगे, 2 इलायची, लौंग, दालचीनी डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको पकने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अनियन डालेंगे, लहसुन, हरा मिर्च को भी अभी ही डाल लेंगे। अब इसमें हम लोग अनियन डालकर अनियन को अच्छे से पकाएंगे। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 से 3 चम्मच, ताकि अदरक लहसुन का जो टेस्ट होता है ना मशरूम की सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद इसमें हम लोग धनिया पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, चिकन मसाला भी आप डाल सकते हैं और ये काली मिर्च, हल्दी पाउडर। अब इसमें हमारा जाएगा 1 से 1.5 चम्मच लाइक गरम मसाला और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको फिर से फ्राई करेंगे अच्छे से चलाकर। जब तक ये भून रहा है तब तक काजू का पेस्ट बना लेते हैं। अब ये इस तो हमारा टमाटर, जो उसके बाद जस्ट टमाटर डालने के बाद ही हम लोग नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए, अच्छे से पक जाए। उसको चलाकर हम लोग छोड़ देंगे। अब इसको हम लोग कवर करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट। ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद ये जो ऑयल है ना वो खुद पे खुद साइड में आ जाएगा। टमाटर पकने का मतलब ये है कि वो तेल आपको साइड में दिखाई देने लगेगा। मशरूम की सब्ज़ी में मतलब क्रीमी होने के लिए क्या करते हैं लोग ढाबा पे, इसमें 5 से 7-8 जो काजू होता है ना, काजू को उसको पीस कर इसमें काजू की पेस्ट अगर आप ऐड करते हैं तो मतलब जो भी मशरूम की सब्ज़ी आप खा रहे हो ना उसकी फ्लेवर एकदम टॉप तक हो जाएगी। तो अब इसमें हम लोग काजू की जो पेस्ट हमने बनाया था वो डालेंगे। देखिए कितना क्रीमी हो जाता है। अब देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना, मतलब देख कर ही मुँह में पानी आ जा रहा है। अब इसको हम लोग पकाएंगे जब तक अच्छे से ना पक जाए। अब इसमें हम लोग कस्तूरी मेथी डालेंगे।
कसूरी मेथी भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है मशरूम की सब्ज़ी में। अब इस पे हम थोड़ा ऐड करेंगे पानी, मतलब जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर लेना। और ये सब्जी आप पराठा, चावल, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हो, ये काफ़ी टेस्टी लगेगा आप पराठा चावल के साथ। इसमें मशरूम हम लोगों ने डाल दिया है, इसको कवर करके हम इसको पकाएंगे। अब इसमें जाएगा धनिया पत्ता, उसके बाद 1 से 2 मिनट तक इसको और पकने देंगे लो फ्लेम पे। इस समय फ्लेम बिल्कुल लो हो जाएगा और ये हमारा मशरूम की ढावा स्टाइल मशरूम की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो दोस्तों आप इसको ट्राई करिए, हम लोगों ने तो चावल के साथ इसको खाया है, और ये आप ट्राई करो और हमें कमेंट करो कि कैसा है, मतलब